जैसे कि हम सभी को पता है कि दीपावली की शुरुआत जो है वसु भारत से होती है, और वसु भारत जो है हमें पता है कि हिंदू धर्म में माता का जो है दर्जा दिया गया है गाय को, और उसी उपलक्ष पर जो है इस दिन जो है गौ माता की पूजा की जाती है, उनकी पूजा अर्चा कर उन्हें जो है नैवेद्य दिया दिखाया जाता है। और इसी उपलक्ष में हम आज आए हैं नागपुर स्थित गोरक्षण केंद्र में, और यहाँ हम जानेंगे कि इस उपलक्ष पर जो है वसु भारत के उपलक्ष पर यहाँ किस तरह से आयोजन होता है, क्या बताओगे? अपने हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार वसु भारत से दिवाली का पहला दिन है, और गाय और गाय का बछड़ा यानी गोवत्स अपन जिसको बोलते हैं, उसकी पूजा होके ही अपने त्यौहार की शुरुआत होती है। आणि वो पूजा यहाँ पे हर साल होती है। गत 1888 से ये संस्था कार्यान्वित है, जो निरंतर गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए काम कर रही है। और ये जो पूजा है ये समझ लो कि वहीं तब से ही होती आ रही है। तो हमारे यहाँ पे आज के दिन में गाय को नहलाया जाता है, उसके बछड़े को नहलाया जाता है, बाद में उसको सज-सराज श्रृंगार किया जाता है, और उसकी पूजा संकल्प छोड़ के पूजा की जाती है। आज की पूजा हमारे यहाँ के धंतुली के एक मान्यवर आर्किटेक्ट है जिनके माध्यम से हुई है। तो 200-250 लोगों का एक आते हैं पूजा करने के लिए, गाय को चारा देने के लिए। अगर आप अभी भी देखेंगे तो 2 बज गए, मगर अभी भी लोग पूजा करने आ ही रहे हैं। आज के दिन पे जो है और क्या खास आयोजन होता है? अभी दीपावली के दिन शुरू है, आज का जो महत्वपूर्ण दिन है वसु भारत का, तो और किस तरह से क्या पूजा होता है और क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन, क्योंकि आप यहाँ गोरक्षा केंद्र के सचिव हो? संदेश तो सभी को यही है कि गोरक्षण ये मन में बसाया जाए, और गौ माता क्यों बोला जाता है, गाय का महत्व क्या है, इसको समझकर पूरे समाज ने गोरक्षण का विषय अपने हाथ में लेने को ना। कुछ लोग गाय पकड़ने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, कुछ लोगों ने उसको खिलाने का काम करने को ना। समाज में ये भावना जागरूक होने को ना कि ये जो गाय हमारी माता है और ये भूखी नहीं रहने को ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसको चारा खिलाए, उसके प्रति संवेदना रखें, और जो संवर्धन का काम हम कर रहे हैं उसमें सहयोग करें। तो जिस तरह से हमने देखा कि गौरक्षण केंद्र में जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वसु भारत मनाई जाती है, इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया संदेश यहाँ दिया है कि गाय को पकड़ने का या उसे संरक्षण देने का कार्य बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसे खिलाने का या उसे भूखा नहीं रखने का भी कार्य करना चाहिए। हाँ, आज सवेरे वहाँ पर हमने एक गाय और उसका बछड़ा, 2 गाय और 2 बछड़े लाए, लोग भी आए थे, उन्होंने उनके पूजा किए, फूल हार और चढ़ा के बाद में अपन ने उनको प्रसाद दिए। गुरु जी आते हैं, पूजा बताते हैं पूरी, बाद में गाय की पूजा, फूल हार चढ़ाते हैं और आरती वगैरह करते हैं। सब लोगों ने गाय और बछड़े की पूजा करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ अपने से जितना भी जमता है करने की कोशिश करना चाहिए, और जितना भी होता है कोई अपनी विदर्भ की जो गैया है वो कम होते जा रही है, उसको अपन गोरक्षण में बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग हमें सहयोग कीजिए। महाराष्ट्र में दीपावली की शुरुआत वसु भारत से होती है। कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को गुजरात एवं आंध्र प्रदेश में बाघ बारस तथा देश के अन्य हिस्सों में गुरु द्वादशी या गोवत्स द्वादशी के नाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का मुख्य औचित्य हमारे कृषि धन का आधार यानी हमारी गायों को सम्मानित करना है। हिंदू धर्म में गायों को मानव जाति को पोषण के लिए बहुत ही पवित्र माँ समान माना जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में हम देख रहे हैं कि हम आज आए हैं नागपुर स्थित गोरक्षण केंद्र में, जहाँ पे बहुत सारी गैया है। यहाँ पे हमने देखा कि सुबह से ही जो है यहाँ पूजा इनकी की गई है, यहाँ बछड़े भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि इस दिन गौ माता और उनके बछड़ों की जो है पूजा होती है, उन्हें पूजा कर
लेकर संकल्प छोड़कर जो है उन्हें खिलाया जाता है, घास खिलाई जाती है। इसके साथ ही उनके जो प्रिय भोजन रहते हैं जिस तरह से वो खिलाए जाते हैं, इनकी पूजा होती है। और दिन भर जो है आज हम देख रहे हैं कि गोरक्षण केंद्र में भी यहाँ पूजा चल रही है। विविध तरह से जो है लोग आकर जो है इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि गोवत्स द्वादशी की सबसे पहली पूजा राजा उत्पादन इन्होंने की थी। उनकी पत्नी सुनीति के उपवास रखकर मनाया था और उनकी प्रार्थना एवं उपवास के कारण उन्हें ध्रुव नामक सुपुत्र भी हुआ था। इस दिन पूजा करने वाले गेहूं और दूध से बने उत्पादों को सेवन करते हुए कुछ उत्तरी राज्य में इस दिन वाहक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है वित्तीय ऋणों को चुकाना। इस दिन व्यवसायी अपने खातों में साफ सफाई करते हैं। इस दिन नए खातों में लेन देन नहीं करते। मान्यता है कि इस व्रत और पूजा से भक्तों की जो है मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। और ये जो इसी के साथ जो ये सभी मान्यता है, विविध मान्यताओं के साथ अलग अलग राज्यों में वसु बारस जो है मनाई जाती है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में वसु बारस के दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा कर ये वसु बारस का दिन मनाया जाता है। और आज से जो है दीपावली का पर्व शुरू होता है। कैमरा मान्यता है कि इस व्रत को करने से जो है सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती है, ऐसी भी मान्यता है। इसी कई मान्यताओं के साथ ये व्रत जो है कि पूरा किया जाता है और अलग अलग नामों से ये वसु बारस का दिन जो है मनाया जाता है। साथ ही साथ गायों की सेवा करो रोज, नवाओ शीश, खुश होकर देगी तुम्हें वो लाखों आशीष। आप सभी को वसु बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।